शलभ मणि जी, लेकिन कोई यकीन नहीं कर पा रहा, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं देखिए, हमें तो पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब की सेवा हुई है, डबल राशन पहुंचा है, महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस ईमानदारी से शलभ मणि जी स्थिर करने का प्रयास किया। ईमानदारी से ये 288 से 326 वाला तो आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। मुख्यमंत्री जी भी बोलने लगे थे 300 के पार, 325 वो तो आप लोग भी नहीं बोल पा रहे थे। पौने 300 भी कहा है कुछ जगह पर, वोट डाल के तो निकले, मतलब हाँ सरकार बनाएंगे पे आ गए थे लास्ट में। चलो देश की जनता ने देखा है कि कैसे विपक्षी, देश की जनता ने जहाँ जी देखा है कि कैसे विपक्षी दलों ने पूरे देश को अस्थिर करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से किसानों की सेवा करने की कोशिश की, गरीबों की सेवा करने की कोशिश की, और कैसे सीमा पार से जाकर साजिशें हुई और हमारा विपक्ष उसमें साथ जुड़ा। विपक्ष के लोगों ने पूरी साजिश रची, प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयास किया, लाल किले को अपमानित करने का प्रयास किया, जो प्रधानमंत्री की पूरे देश के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, गरीबों को समर्पित कर चुके हैं, डबल राशन पहुंचा रहे हैं, आवास दे रहे हैं। आप जाइए गांव में जाइए, बिना किसी भेदभाव के आवास मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के राशन मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव की लोगों की सेवा हो रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी पर जो ऊंचे हमले किए विपक्ष ने, देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने उसका जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि जवाब बहुत करारा मिलेगा। आप कल ईवीएम मशीनों को खुलने दीजिए, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचेगा, इनका सफाया हो जाएगा। अच्छा ये मोदी जी की जीत कहलाएगी? शलभ मणि त्रिपाठी जी मीडिया मीडिया सब देखते हैं, शलभ मणि जी मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं, खुद भी प्रत्याशी हैं, खुद भी प्रत्याशी हैं, पूर्व पत्रकार हैं भाई, पूर्व पत्रकार हैं, इसीलिए तो शलभ मणि जी आप पीएम का जितना नाम ले रहे हैं तो मोदी जी की जीत कहलाएगी? मोदी जी की जीत, योगी जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत। जो प्रधानमंत्री जी ने ऊपर 1 रुपया गरीबों के लिए भेजा, वही योगी जी ने 1 रुपया गरीबों तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह कोरोना काल में सेवा की, ये सारी चीजें वो है जो प्रदेश की जनता को नजर आई। एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, कैसे ईमानदारी से उन्होंने सेवा की। मैंने भी आपको मौका दे दिया, आपके लिए पैसे भेजे, मैंने भी आपको बैटिंग करने का मौका दे दिया ये सवाल पूछ के। लेकिन ये बताइए कि अगर 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 हार मिले, अगर निराशा हाथ लगे, अगर अनुमान जो है इन एग्जिट पोल्स का, पल आ रही हूँ सापरा साहब, तुरंत आ रही हूँ सापरा साहब, अगर इसके उलट आता है तब किस किसके माथे जाएगा? हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी के साथ सेवा की, आज प्रदेश देख रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी अराजकता के लिए लोगों को उकसा रही है, कैसे आप लोगों को कह रही है कि सड़क तोड़ रही है, कैसे काशी में कट्टरपंथी जो लोग हैं वो निकल पड़े हैं, पूरा प्रदेश भयाक्रांत था समाजवादी पार्टी के लोगों से। और इसीलिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनने जा रही है। अपनी सीट जीत रहे ना, देवरिया की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, मुझे लगता है कल आप ही दिखाएंगी टीवी चैनल पे कि बहुत बड़े आंकड़े के साथ हम सब यहाँ से चुनाव। सापरा साहब, सापरा साहब ठीक है, सापरा साहब हाथ उठा रहे थे, सापरा साहब, सापरा साहब कांग्रेस मतलब देखिए अब तो सर सवाल पूछने में भी थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मतलब परेशानियों में वैसे ही घिरे हैं, इतने काले बादल हैं और उन बादलों से रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका वाड्रा गांधी ने इतनी मेहनत की, लेकिन बावजूद इसके ये धरातल मतलब धरातल से भी नीचे पाताल वाला मामला चला गया है कांग्रेस का। नहीं, ये पाताल वाला मामला आप कह रहे हैं ना, ये तो कल पता चलेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें दे रहे हैं, अभी कह रहे थे आप कितनी सीटें दे रहे हैं, समझ क्या ये आप कितनी सीटें, मुझे पूरा तो देखिए, आपने शलभ मणि को बिना टोके 2-3 मिनट दिए, नहीं आपने शलभ मणि को बिना टोके 2-3 मिनट दिए, मुझे भी देने पड़ेंगे थोड़ा। हाँ, तो जिस तरह से ये कह रहे थे कि लोग भूल जाएंगे कि कोरोना काल के अंदर जो लाशें लोगों ने देखी है गंगा नदी में, या जिस तरह से वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली, बेड नहीं मिले, जिस तरह से लोग सड़कों पर रो रहे थे बिलक बिलक करके अपने परिजनों को बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे थे, क्या लोग वो भूल जाएंगे? क्या लोग महंगाई भूल जाएंगे कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार करके फिर आया है थोड़ा सा नीचे, और अब फिर कल परसों बढ़ जाएगा? और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या वहां पर प्रदर्शन नौजवानों के नहीं हुए, चाहे वो रेल की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो? तो ये तमाम सारी चीजें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। ठीक है, एग्जिट पोल ने अगर आपको थोड़ा सा दिलासा दिया है तो आप ये कह सकते हैं, आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, लेकिन जो जनता है, जो जमीनी मुद्दे थे, वो जनता कभी भूलेगी नहीं। किस तरह से जनता 5 वर्ष तक ये जान रही थी कि ये योगी जो है ये उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी मुख्यमंत्री नहीं है, ये जनता ने देखा है।
और जनता के मन में डर भी था, इसलिए एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जनता ने सच बात नहीं बताई होगी, ये भी काफी प्रतिशत तक होगा, क्योंकि एग्जिट पोल उसी दिन होता है जिस दिन वो पोल करके बाहर आते हैं, तो हो सकता है मन में डर है, उन्होंने सच बात बोली नहीं है।